को दिल से निकाला ना जाएगा। तवज्जो करनी है, एक मतलब बोले सुभान अल्लाह। याद नबी को दिल से निकाला न जाएगा, याद नबी को दिल से निकाला न जाएगा। आपकी जो सुभान अल्लाह है वो बहुत कम है, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सीने में क्योंकि इंतहाई पढ़े लिखे लोग मौजूद है, मैं वही कलाम आपको सुना रहा हूँ जिसके सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। सीने में दर्द वैर का पाला न जाए, सरे हजर जब उठाए ये सरे हजर जब उठाएंगे चेहरे के वो नकाब, अरे यूसुफ से भी फिर होश संभाला ना जाएगा, यूसुफ से भी फिर होश संभाला ना जाएगा, फिर होश संभाला न जाएगा। और हाथर कलाम से है, इससे बड़ा मिश्रा इस कलाम में नहीं है। कैसे तब तक न जाएगा जन्नत में कोई दोस्त तो, तब तक न जाएगा जन्नत में, तक बिलाल रंग का काला ना जाएगा। जब तक बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, जब तक बिलाल रंग का काला ना जाएगा, जब तक बिलाल रंग का काला ना जाएगा, लेकिन कहा हुजूर का टाला न जाएगा, लेकिन कहा हुजूर का टाला न जाएगा, लेकिन कहा हुजूर का टाला न जाएगा। और काफी देखिए मिल जाए यार नसीब ना जाएगा, फिर सुरमा कोई आंख में डाला ना।
जाएगा। जी मैं फिर पेश करता हूँ भाई के मारे फिर बड़े मिल जाए अगर नसीब के खाके पाए रसूल तो फिर गुरमा कोई आँख में डालाना ये मित्रा मुझे वैसे ही याद आ गया है मेरे दिल में नहीं था तब मैं चाहता हूँ खाते हैं जो हुजूर के खाते हैं जो हुजूर के लंगर को शौक से खाते हैं जो हुजूर के लंगर को शौक से पैरों का उसके मुंह में निवाला ना जाएगा पैरों का उसके मुंह में निवाला ना जाएगा पैरों का उसके मुंह में निवाला ना जाएगा अल्लाह की रहमत के अनवार किस लिए हैं मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं कर मुश्किल ना हल हो तो दरबार किस लिए हैं अरे गुनाहगार ना बख्शे जाए तो सरकार किस लिए हैं नारे तकबीर नारे रिसाला नारे हैदरी गुनाहगार गुनाहगार ना बख्शे जाए तो सरकार किस लिए है गुनाहगार ना बख्शे जाए तो सरकार किस लिए है एक मैं नहीं कह रहा एक मैं नहीं कह रहा खुद फरमा रहा सरकार को की फरमा रहा दुनिया में इलाही तो नहीं करता हूं एक मैं नहीं कह रहा मैं देखना चाहता केड़ा बंदा जो सुभान अल्लाह बोलता एक मैं नहीं कह रहा खुद फरमा रहा सरकार को की फरमा रहा कि तू है महबूब तेरा मैं हूं आशिक तेरा तू है महबूब तेरा मैं हूं आशिक तेरा मैं हूं तालिब तेरा तू है मतलूब मेरा कायनात होगी मेरी हुकूमत होगी तेरी ये आदम होगा मेरा फजीलत होगी तेरी कुरान होगा मेरा तबारी होगी तेरी जिब्रील होगा मेरा ये नौकर होगा तेरा पैगंबर होंगे तेरे मुक्तदी होंगे तेरे ये अनस होगा मेरा नलैन होंगे तेरे सिद्दीक होगा मेरा ये आजम होगा तेरा फारूक होगा मेरा मुराद होगी तेरी उस्मान होगा मेरा जमाल होगा तेरा ये अली होगा मेरा ये शेर होगा तेरा आयशा होगी मेरी घरवाली होगी तेरी ये फातिमा होगी मेरी ये बेटी होगी तेरी हुसैन होगा मेरा हुसैन होगा मेरा हुसैन होगा मेरा हुसैन होगा मेरा नफाता होगा तेरा बिलाल होगा मेरा गुलाम होगा तेरा ये जानी होगा मेरा परवाना होगा तेरा ये गुमी होगा मेरा मर्दाना होगा तेरा अब्बास होगा मेरा दीवाना होगा तेरा ये बिंदी का जी बोल बंदी बोल नीचा भी तो अभी बाहर भी अंदर भी नामी अपने नहीं बोलो सुभान अल्लाह होंगे मेरे परवाने होंगे तेरे ये सुन्नी होंगे मेरे दीवाने होंगे तेरे बदल रहमताने छाए होए से बोले सुभान अल्लाह मैंने एक कलाम और पेश करके आप लोगों से इजाजत ले लेनी है फखर सरदार हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत किला पीर हुजूर सैयद दीशान रसूल शाह साहब दामत बरकातुन कुसिया आप तशरीफ ला रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सैयद आगे का खड़े होकर इस्तकबाल करें आले नबी वलाजी अली खड़े होकर इस्तकबाल करें ज़ीशान रसूल की आमद पे बुलंद आवाज से नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला या रसूल नारे हैदरी
मैं 5-7 मिनट में अपनी हाजिरी क्लोज कर देता हूँ कि मैं चार सबसे चीफ ले आए हैं और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं हुजूर किबला मेरे मुर्शिद हजरत किबला पीर हुजूर सैयद निशान रसूल शाह साहब दामत बरकातहुम अलिया आपके वालदे मोहतरम हुजूर सैयदी मेरे मुर्शिद हजरत पीर सैयद फैज रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार के सामने मुझे 75 मरतबा हुजूर की नाचनी पढ़ने का शर्फ हासिल है। बड़ी खुशबख्ती एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह बारगाह में पेश करके इजाजत चाहता हूँ। जंजा लामोटा बोले सुभान अल्लाह जंजा लामोटा